इससे भी उधार ले लिए थे जी। वैसे तो ना जी हर आदमी सपना हुआ है कि मैं गाड़ी घोड़े वाला हूँ और उस चाहे 2 रुपया जुगाड़ कर लूँ, रोजगार का जुगाड़ कर लूँ, चाहे अपनी टोरापंती पूरी कर लूँ, चाहे किसी प्रकार की और कार्रवाई कर लूँ। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यह है महिंद्रा की एजेंसी और इसका मालिक का नाम है आनंद महिंद्रा। अब आनंद महिंद्रा का एक बड़ा सांग और है कि वो अपनी गार्डिंग लोडिंग वाली हो, इस तरह की हो, तो दिल फेंक आदमी है। यानी यह है जी आनंद महिंद्रा वर्गा आदमी इस देश में दिखा ही को नहीं, वो चाहे डोनेशन में हो, चाहे वो किसी आर्थिक सहायता में हो। यानी आनंद महिंद्रा आगे पहलता हम अपनी गाड़ियों के मामले के अंदर, क्योंकि गाड़ी महिंद्रा की नाम तय और उसकी शक्ल तो बिका है, लेकिन ये गाड़ी लेके गए थे आनंद महिंद्रा की गाड़ी थी। आप से ड्राइवर आज आगे जो दोस्तों से नमस्कार, बताएं जी क्या बात हो रही है आपकी गाड़ी में, किस तरह की बात हो रही है? आज वो बताएंगे जी। मैंने जी एक महिंद्रा सुप्रो की गाड़ी ली थी। अच्छा, अंदर आज मैंने जैसा मेरे उछाड़े खड़े हैं, मैंने अंदर जाके परमिशन ले ली कि सर इस तरह बात है, ये लोग पीड़ित हो रहे हैं आपकी गाड़ी लेने के ऊपर, तो क्या कहेंगे, क्या इलाज होगा, किस बात की होगी, अगली आवाज इनकी होगी जी, आप बताएं पूरी बात क्या बात है। वो गाड़ी खुल के नहीं चल रही जी, जैसे कि 5वां गियर लगाते हैं तो रेस 65 पर जाके लगा लिया ना तो भी डाउन आ जाए। अच्छा, आपने गाड़ी ली थी, कौन सी गाड़ी थी भाई? महिंद्रा सुप्रो अंदर आपकी आगे गाड़ी है। आज गाड़ी चला दिखा दे। अच्छा, गाड़ी यानी रेस देवा तो गाड़ी जाने चाहिए, तेज भागनी चाहिए। हाँ जी, और आपकी डाउन आ जाए, डाउन आ जाती है, तो आप एजेंसी में लेके आए? मैं एजेंसी में लेने के 5-4 दिन बाद में कंप्लेंट करनी शुरू कर दी थी। अच्छा, और ये कह रहे हैं कि पहले तो इन्होंने इंजीनियर बुलाए, बोल रहे थे फॉल्ट है, ये कह रहे हैं ये तो गाड़ी इसी तरह से चलने की बनाई है। अच्छा, ऐसे ही चलेगी। गाड़ी कौन सी आपकी? अंदर खड़ी है। अच्छा, अंदर खड़ी गाड़ी आपकी। अच्छा अच्छा, गाड़ी आपकी अंदर खड़ी है, मुझे अंदर और दिखा देता हूँ जी। फिर ये इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल रहे जी, ये बोल रहे हैं ये ऑक्सी है, हमने कल भी ट्राई ली थी, ये उस पहले चल रही थी उसी हिसाब से चल रही गाड़ी। अच्छा, यानी गाड़ी क्या लाख की निकली थी आपकी? गाड़ी थी 8 लाख में पड़ेगी जी। अच्छा, 8 लाख में कौन सी गाड़ी आपकी? या महिंद्रा सुप्रो। अभी तो इसके नंबर को नहीं आए हैं। अच्छा, नंबर तो वैसे आ तो लिए। अच्छा अच्छा, गाड़ी यहाँ है तो जिस टाइम आपने गाड़ी ली थी उस टाइम आपने क्या क्या दी थी गाड़ी इन्होंने एजेंसी वालों ने? ये तो मैं नुले जी इसकी ट्राई दिवा दे। अच्छा, ये जो सेल्समैन था नुले आप यहाँ स्टार्ट करके देख सकते हो। हाँ, ट्राई नहीं लेने देंगे जब तक इसका इंश्योरेंस। अच्छा, अच्छा इंश्योरेंस ले रहे हो तो इधर रोड पर कौन है? हाँ जी। अच्छा, फिर आपने? मैं फिर गाड़ी ले ली, ठीक होगी, नई गाड़ी में क्या दिक्कत होगी। अच्छा, तो ये भी गाड़ी डाउन चल नहीं रही और ये बोल रहे हैं कि भैया तो ऐसे ही चलेगी, इसी तरह से चलने के लिए बनाई है। अपने भैया डाउन क्यों आवा है, रेस दियो तो मेरा तो एक्सीडेंट हो जाए, मतलब किधर पहिए नीचे चिपे पाऊंगा रोड के नीचे। ये तो मना कर दिया जी ने, ऐसे ही चलेगी। अच्छा, ऐसे ही चलेगी। हाँ, तो फिर और क्या फॉल्ट बताया सर? पता नहीं जी, इन्होंने कोई कुछ पार्ट भी बदल के देखा है नई गाड़ी का, फिर भी कोई सोल्यूशन नहीं हुआ जी। तो सर निकले कौन? तो कितने दिन हो गए गाड़ी आया पे? गाड़ी यहाँ खड़े हो गए 15 दिन। 15 दिन हो गए। अच्छा जी, आदमी ने ली थी गाड़ी, लोन पे ली थी? बिल्कुल लोन पे है जी। किस तरह दी थी, किस तरह कटवाई थी, मेरा बता सको के कंडीशन में कटवा के किस तरह पीछे इकट्ठे करके ली? कंडीशन तो जी मैं तो भाई का लड़का है, इससे भी उधार ले लिए थे जी। लड़ो ना, लड़ो, काम तो चल रहा है, हिम्मत थोड़े काम चला करे, हिम्मत थोड़े काम चला तो जियो को कर गा, ये तो गाड़ी घोड़े हैं और आ जाएंगे भाई, इतना समाज साथ खड़ा है, इतने दो खड़े इतने गिल्ली रोड में क्या हो भाई, बस तेरी गाड़ी फॉल्ट है, ठीक करके देंगे, आज नहीं कल करके देंगे, देनी पड़ेगी कल के। ठीक, जवाब भी सुतरे को ले, जवाब सुतरे को, जवाब भी सुतरे को निकल। इन ते एक बात पूछी गई, भाई इस गाड़ी में या दिक्कत है? अगले बेरा के बोले, बोले इसने तो 4 गियर में चला ले, हमने रुपये 5 गियर के दे रखे, हम 4 गियर हम क्यों चलावांगे? फिर इनकी बात भी मान ली, बोले 4 गियर हम चला लो, फिर यह बात खुद गैर बैठ के गए हैं, एक बार को नहीं गाड़ी 400 किलोमीटर तो ट्राई ट्राई में चला ली। अच्छा, राइट टाइम चला ली 400 किलोमीटर का, खुद गैल बैठ के गए हैं, 10 किलोमीटर चलने के बाद में यह गाड़ी 50 की स्पीड पकड़े है 10 किलोमीटर पे। अच्छा, हाँ, और हमारा गांव पड़े 10 किलोमीटर, हमारे गांव तो बहनिया होगी, 10 किलोमीटर में 50 की स्पीड पकड़ेगी तो हम के खावांगे?
डीजल का भी पूरा को नहीं हुआ है। दूसरी बात है, यह गाड़ी अभी क्या नाम से आप अंडरलोड की है, तो हमने अंडरलोड की छोड़ो, कल एक आदमी बैठ के इस गाड़ी में चला था तो 50 की स्पीड कौन पकड़ेगा, इसमें 900 किलो पास करा है, 900 किलो वजन गाल दिया, 30-50 चलेगी चुकर चलावा इसने, तो बैलगाड़ी बन जाएगी है। बैलगाड़ी तो भी बुंडा काम हो गया इसका, तो इनने कहा हाँ कल आए हाँ कही भाई मारा कहते सोल्यूशन कर दो कोई इसका, तो बोला जी कंपनी वाले आए थे मारे द्वारा कोई सोल्यूशन को नहीं, सोल्यूशन अगर ये नहीं करेंगे तो ये कौन करेगा जी। हमने गाड़ी इन पर खरीदी है कि ऊपर जाके उड़े, मतलब बॉम्बे जड़े भी इनका मैन्युफैक्चरिंग है, उड़े जाके नहीं खरीदी गाड़ी, तो हमने इन तक खरीदी है, तो कम से कम संतुष्ट तो ये करेंगे भाई, इसमें कोई दिक्कत है कि मैं और नहीं है, एक गरीब आदमी की तरह मतलब चाचा ने गाड़ी ले ली, इस बार और कोई साधन को नहीं, दो छोरी से वह बयान मान और से छोरा सा वो बीमार चल रहा है, माँ बाबू से को नहीं कि मैं भी करना और कभी सारा को नहीं, गाड़ी का सारा था ये ब्याज पर पेट हुआ के या गाड़ी बनवा दी, या गाड़ी बनवा दी आधा ब्याज का लोन हो गया आधा वो लोन हो गया, इन ब्याज वाले सिर्फ फोड़ेंगे इन्हें इसकी किस्त, एक महीना दी साढ़े खड़ी ना हो गया, एक महीने में 5 दिन घर न गई है, सिर्फ बाडी बंदी है दुकवाई है और फिर एजेंसी में खड़ी करी है, ये कोई सोल्यूशन को नहीं, एजेंसी आना तो एजेंसी वाले साफ नाटे हैं, यानी ली है उस दिन तक गाड़ी आड़े खड़ी है लगभग 99 के 99 दिन, 8-9 अगर 30 दिन ना लिए तो इसमें 25 दिन आड़े खड़ी ना हो गए। समाधान तो होना चाहिए, ये थोड़ी है जब इतनी कीमत की गाड़ी ली है, ब्याज दिया है, पूंजी दे रहा है, किसी चीज की दे रहा है, इसी चीज दे रहा होगा, ये समाधान नहीं करेगा, कौन करेगा समाधान? आप जितने आदमी बैठे नहीं बैठा के चलो आप चला दियो, आप खुद गाड़ी ना चलाओ, 50 की अगर आप कई आदमी बैठे हैं इसमें 10 आदमी बैठा लो, 10 आदमी भी अगर 50 की स्पीड पकड़ जाए 2 किलोमीटर थी तो हम यह गाड़ी भी ले जाओगे, अगर यह गाड़ी स्पीड ना पकड़े तो इनका बुझ लो के सोल्यूशन करेंगे, चलो जी। तो यह प्रॉब्लम है ब्याजा में गुट्ठे टेक टेक के तो इन्हें गाड़ी ली मजदूर आदमी ने, अब गाड़ी लेने के बाद में इस गाड़ी के अंदर यह प्रॉब्लम आ गई, अब किस चीज की ट्राई ली अपने, किस चीज का कीमत दिया था वो मेरा पट्टा है कौन, लेकिन ये है जी अब चाहे गाड़ी किसी एजेंसी ले लो किसी कंपनी ले लो, सुनने को यही मिलता है जी, इंजीनियर आएंगे वो करके देंगे, इंजीनियर आएंगे वो करके देंगे, अब इंजीनियर आए हैं तो इंजीनियर आए अब गाड़ी चेक कौन करी थी, इंजीनियर आए उन्होंने गाड़ी चेक करी है, वो कहें कि इसमें तो कोई समस्या है को नहीं, अच्छा बोले इसमें गाड़ी में कोई समस्या को नहीं, कोई फॉल्ट नहीं है, कोई फॉल्ट को नहीं, अच्छा जबकि खुद कल मेरी इनसे बात हुई, मैनेजर साहब से बात हुई, इनसे सब से बात हुई, इनको जी फॉल्ट है हमने भी बेरा है, लेकिन कंपनी ने 5वां गियर एवरेज बढ़ाने खातर दिया है, एवरेज बढ़ाने का मतलब क्या होता है, एवरेज बढ़ा होगा तो गाड़ी की 5वां गियर में फ्री हो जाएगी, गाड़ी स्पीड तो पकड़ेगी, 5वां गियर घाले गाड़ी 50 पे तो 40 पागी, आपको तो डाउन आओ है, डाउन आओ है गाड़ी चढ़े को नहीं, डाउन आओ है, डाउन आओ, कल भी 10 किलोमीटर की ट्राई मारी, 10 किलोमीटर में गाड़ी 50-55 की स्पीड पकड़ी, 10 किलोमीटर में, 10 किलोमीटर थोड़ा ना होता जी, 10 किलोमीटर जाना 4 किलोमीटर हो तो क्या करा, जो यहाँ पे मैनेजर साहब हूँ उनको बताया आप लोगों ने, हाँ सब ने बताया, कल रिक्वेस्ट भी करी हमने भाई, हमने तो यह भी कही है भाई अगर इस गाड़ी में कोई समस्या है तो जी हमने गाड़ी चेंज करके दो, बोले ऐसा कोई प्रावधान को नहीं होता तो हमारा कोई सोल्यूशन कर दो, तो बोले ऐसा कोई प्रावधान को नहीं, कल भी ड्राइव करवाई जी गाड़ी में प्रॉब्लम है, ओके थोड़ी है आपके हिसाब से प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप कहां से ट्राई कर रहे हैं सर, अपराध भी ट्राई कर रहे हैं, हम साथ में बैठ रहे हैं, हम सब रहे हैं, ट्राई करी है कल भी, हां सर जो चीज एक्चुअल में हमने गाड़ी चेक करवाई है प्रॉपर तरीके से, कंपनी की टीम भी आई है, गाड़ी चेक भी करके गई है, गाड़ी के अंदर किसी भी तरीके का कोई फॉल्ट नहीं मिला है, जो गाड़ी के अंदर दिया गया है जो करना है वो सिर्फ फ्यूल एफिशिएंसी के लिए दिया गया कि जिसमें एवरेज ज्यादा से ज्यादा आए गाड़ी नॉर्मल स्पीड में गाड़ी, ठीक है जी, अगर गाड़ी ओवरलोड में नहीं है तो गाड़ी सही चलती है, सर इन्होंने कहा कि हमारी गाड़ी 50 अगर 5वां गियर लेते हैं, 5वां गियर लेने के बाद में गाड़ी अप जाना चाहिए 70-80 स्पीड पर पकड़नी चाहिए, सर डाउन आती है 50 से नीचे डाउन आ जाती है, ड्राइविंग पैटर्न होता है कि जैसे 40 या 45 की स्पीड पर जाके आपका फोर्थ गियर मांगेगा, ठीक है, ऐसे ही 50 की स्पीड पर जाके आपका 5th गियर मांगता है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या है, नॉर्मल गाड़ी के अंदर क्या है कि आपका जो 5वां गियर आप लगाओगे तो उसकी फ्यूल क्वालिटी के लिए मतलब ये एवरेज ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर दे उस चीज के लिए वो गेट दिया गया है, ये जैसे नॉर्मल गाड़ियां जो होती है वो मैक्सिमम चलती है एवरेज गेट, एवरेज कम मारी थी तो उसके रिगार्डिंग वो करा गया है कि आपका एवरेज बढ़िया से बढ़िया दे, इसलिए 5वां गेट दिया गया है, 4th गेट तक आप
कितनी भी गाड़ी चला सकते हैं, कैसे भी चला सकते। देखिए सर, आपकी जो कंपनी महिंद्रा आनंद महिंद्रा जी है वो एक नंबर पे है पूरे विश्व के अंदर गाड़ी के मामले में, लेकिन सर जिस प्रकार से ये लोग ऐसे आरोप लगाते रहेंगे तो किस प्रकार से आपकी गाड़ी वैसी लीक होंगी, किस प्रकार से क्या होंगे सर? आरोप लगाने का एक अलग चीज हो गया, बट कंपनी के खुद भी इनके सामने इंजीनियर्स भी आगे चेक कर सर। आप अभी ट्राई करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा सर। आपकी गाड़ी बल्ले बल्ले, आपकी कंपनी बल्ले बल्ले और इनकी बात खुल जाएगी सर। क्या पता आपकी कंपनी को बदनाम करते हो ये लोग ऐसे। अभी कल भी ट्राई करवाई है इनको, जो इंजीनियर्स लोग आए थे उन्होंने भी 5 दिन तक लगातार इनके साथ ट्राई की। ठीक है जी, ये जो चीज कहना चाह रहे हैं और जो चीज होनी चाहिए ठीक है, उनमें दिन रात का फर्क इसलिए आ रहा है क्योंकि हम जो कंपनी ने महिंद्रा ने दिए है ये 5th गियर जो दिया गया है ये सिर्फ फ्यूल एफिशिएंसी के लिए, ये स्पीड के लिए नहीं है। अगर मान लो जैसे कि और गाड़ियों में आता है 5th गियर का अगर होगा तो लोड बढ़ाएगा ठीक है, उसके बाद क्या होगा जैसे स्पीड भी पकड़ेगी। इसमें क्या है, इसके अंदर जो 5th गियर दिया गया है वो फ्यूल एफिशिएंसी के लिए। एवरेज बनाने खातर आपने 5वां गियर दे दिया तो 5वां गियर का अलग बाद में गाड़ी 5-10 की स्पीड पे चलाओ बहुत बढ़िया एवरेज देगी, 30-40 कितने देगी फिर सर? आप बता दो सर, जब फुल के हमारे पास सर के पास गाड़ियां हैं सर, बड़ी गाड़ियां भी हैं महिंद्रा की गाड़ियां भी हैं तो सर एवरेज अगर गाड़ी 50-55 से ऊपर नहीं चलेगी तो एवरेज कैसे देगी सर? इंजन की जो मैक्सिमम पावर उसी में तो गाड़ी एवरेज देगी। मैक्सिमम पावर गाड़ी की 5वां गियर फ्री कर देगा, 5 गियर वाली गाड़ी की दोबारा दूसरी गाड़ी की ट्राई मारी थी उसमें उसमें रात दिन नफर में 4 गाड़ियों ड्राइव करवा दी थी जी, जब मैं इंजीनियर साहब आए थे आपके इंजीनियर साहब आए थे चेन्नई से, उन्होंने ट्राई ली थी, उन्होंने खुद ये कहा था कि इसमें दिक्कत है। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आपको मैं दोनों गाड़ी इकट्ठी चलाने दिखाऊं ठीक है, अगर गाड़ी में दिक्कत नहीं आती तो सर ये बोले हम इनके पुराने कस्टमर, हाँ सारी गाड़ी माने इनकी बढ़ती है, लेकिन इस गरीब आदमी के दोस्त है। अब यो दो बीमार आदमी है, अब ये रियलिटी सर, अगर हम गेट के ऊपर जा रहे हैं 5वां गियर हमने लगा दिया गाड़ी के अंदर तो सर वो डाउन आओगा तो कूड़ के नीचे तो उल्टी आओगी सीधे जाएगी सर। ऐसा जी जाने तो आपके ही है, डाउन गियर पांचवें गियर में जब गाड़ी आ रही है इसमें, वही मैं आपको बता रहा हूँ एवरेज बढ़ाने के लिए जो इन्होंने मतलब इसके अंदर जो क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए किया है, डिफरेंस जो डाला गया है इस गाड़ी के अंदर वो एवरेज डाउन आएगी क्योंकि ये जो चल रहे हैं ये 70 की स्पीड के ऊपर कंटिन्यू चल रहे हैं। 5वां गियर का महत्व सर, आप अपनी गाड़ी ग्रोस पेट में चलाओ, आप अपनी गाड़ी लेके आप अपनी गाड़ी लेके आओ, हाँ अभी लेके आओ 15 मिनट में आगे मंगवा देंगे, आप अपनी गाड़ी लेके आओ इनकी गाड़ी के साथ, सुनो मेरी गाड़ी के अंदर आप 15 क्विंटल वजन डालो सर, बोलने से नहीं आप बोलने से करके दिखाएंगे भाई तक किसी के साथ जा रहे आओ सर करो अच्छी बात सर, क्या सलूशन अपनी तरफ से कंपनी की टीम को बुला चुका हूँ, कंपनी की टीम चेक कर चुकी है ठीक है, इससे ज्यादा जब तक कंपनी की टीम नहीं कहती नई गाड़ी को नहीं छेड़ती। जब अगर मान लो कोई चीज तो इसका मतलब भाई साहब अगर आप किसे जागा वो जो जिस पैस ने लोन करवा रखा होगा कंपनी दिया बात कोई मानना है कोई मतलब है इसी गाड़ी इसके बाद का रोज साना चूम चाहिए वो तो मतलब वो जो पेट से या वो दिया बात कोई कभी गाड़ी ठीक से गलत से वो तो मान लेगा। सर आजकल लोन वाले बड़ी बेइज्जती करा के सर आप बता दो, तो लोन देने वाले जो है गाड़ी वाड़ी दिवाओ है वो बड़ी बेइज्जती करते हैं लोगों की, किसकी किस्त टूट जाती है किसी का ठिकानी आ जाए तो आप उसमें बड़ी बेइज्जती करते हो। आप किसी चीज को किसी चीज में जोड़ के देखो वो तो चीज एक अलग चीज है ठीक है, अगर मान लो अगर कंपनी को अगर महिंद्रा को आप इससे लोन से कनेक्ट कर रहे हो तो उससे तो मैटर ही नहीं है, जो महिंद्रा की गाड़ी को महिंद्रा की गाड़ी कनेक्ट कर सकते हो, एक महिंद्रा की गाड़ी को आप एक गाड़ी से तो कनेक्ट एक आप एक मिनट में ठीक है
ठीक है, अगर आपको बोलना ही है, सिर्फ सुनना ही नहीं है, तो आप भाषण बोल के बोल रहे हैं, एक महीना हो गया और एक महीने से हम आपको टाइम तय ही करवा रहे हैं, को फाट नहीं मिला है, अब ये हमारी प्रॉब्लम थोड़ी है, अपनी प्रॉब्लम दो काम का सब क्या कर रहा है, ये जो रुकेगा सुभाषित गाड़ी के अंदर फॉल्ट होगा तो ही तो मिलेगा। अच्छा उसको चलो आप एक बार उसकी ट्राई करवाओ, एक बार जो पांच वाली पांच ईयर वाली दोनों गाड़ी है कंपेयर करो, मतलब उसका आप सना कुछ बजट डाल लो, आई ना खाली चला लो फिर देख लो। अच्छा जी देखो सारी चीजों की ट्राई आपको कुछ देर बाद करवाई गई है, अब नहीं हो सकती, होती की अभी भी होती है, पता पड़ता है हमें करवाओ, आओ जी चलो दूसरा पहले करवाओ, सेम मॉडल के साथ नहीं, सेम मॉडल के पांच गियर में गाड़ी चाहिए, मैं सेम महिंद्रा की पांच गियर में तो यार वो आप मान के चलो तो स्पोर्ट पे कंपनी पांच गियर देखो थोड़ी भाई जान कंपनी पांच गियर दिखाई हो जाए आप घर में यार आराम से एक्सेल मॉडल होगा, एक्सेल मॉडल सेम नहीं, ये तो भाई साहब मेरी पास इन सारी गाड़ियां ये गाड़ी 2 महीने से लॉन्च हुई है नई गाड़ी, और नई गाड़ी के अंदर दिक्कत आ रही है यार, पुरानी गाड़ियां में दिक्कत नहीं है, पुरानी गाड़ियां रिव्यू तो मारा गया, नई गाड़ी 2 महीने से लॉन्च हुई है, नई गाड़ी दो महीने किसकी है, पुरानी गाड़ी है जो सुप्रो इन्हीं की महिंद्रा की गाड़ी है, पांच गियर की गाड़ी है, आप उसके बराबर में लगा के देखो, ये कुछ या गाड़ी नहीं लॉन्च हुई है, नहीं लॉन्च हुई है, नई गाड़ी में दिक्कत आ रही है, पुराने जो मॉडल है उनमें दिक्कत नहीं थी, जो नए मॉडल वाले उनमें दिक्कत है, आ जाओ ड्राइव बिठा दो गाड़ी में, हम दिखा दो टेस्ट ड्राइव, सेम मॉडल के साथ सर अभी पांच गियर के अंदर हमारा छोटा मॉडल भी आता है, बड़ा मॉडल भी आता है, जैसे कमर्शियल सेगमेंट में, पर्सनल सेगमेंट में, अब जरूरी तो नहीं है कि उसके अंदर गरारी एक जैसी डाल रखी हो गियर की, ठीक है पांचवें गियर में वो गाड़ी 70 चढ़ती हो स्पीड मैक्सिमम, कमर्शियल गाड़ियों की हर किसी गाड़ी की 70 या 80 की स्पीड बांध रखी है, उससे ऊपर नहीं भागती है कोई भी कमर्शियल में जो पास होती है, ठीक है, और स्कॉर्पियो गाड़ी है वो पर्सनल में पास है, वो आप पे 100+ भी चलेगी, ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो गियर रेशो का फर्क होता है गाड़ियों के अंदर, ठीक है, अभी इसके अंदर गियर रेशो क्या डाल रखी है गाड़ियों में, इन वाली में जो ले रखा है इन्होंने गियर रेशो उसमें अलग है, अभी अभी कस्टमर कंपनी ने जो नया मॉडल ये लॉन्च किया है ये 4 गियर का ही है मेनली, तो ठीक है 5th गियर इन्होंने इसलिए इंट्रोड्यूस किया है कि उसके अंदर इंजन की पावर तो नहीं रहेगी पर गाड़ी कॉन्स्टेंट आपकी उसके आसपास ही चलती रहेगी, जैसे कि 70 की स्पीड मैक्सिमम दी गई है तो 65 और 70 के बीच में वो चलेगी आपके पास, इंजन जोर नहीं मारेगा, एक मिनट है भाई, हम 5 जने हो तारी आवाज लाउड रहेगी मेरे कमरे में, ठीक है मैं बताने लगा, ठीक है अब उसके लिए इनकी ऊपर रख के बात हमने कंपनी को बुलाया, हमने पहले खुद चेक किया कंपनी में डाला, हमारे पास एक पोर्टल होता है जिसके ऊपर हमारे ऊपर टेक लाइनर होता है मतलब महिंद्रा की टीम होती है, उन्होंने हमें जवाब दिया कि आपने नई गाड़ी और इस गाड़ी को कंपेयर किया है, ये गाड़ी जो चल रही है वो सही चल रही है, ठीक है उनका जवाब आ गया, फिर भी ये नहीं माने, फिर इनसे हमारी बात हुई कि हम कंपनी से बंदा बुला देंगे GI के लिए, मतलब ज्वाइंट इंस्पेक्शन, GI का मतलब ज्वाइंट इंस्पेक्शन, वो आके आपकी गाड़ी को और नई गाड़ी को कंपेयर करेगा, चला के देखेगा सही चल रही है तो वो अपने रिव्यू दे देगा, ठीक है वो बंदा आया 3 दिन 4 दिन उसने इनकी गाड़ी और अपनी गाड़ी नई गाड़ी मतलब वो दोनों को चलाया है कंपेयर किया है, उसके बाद उसने अपने को रिव्यू दिया है कि ये गाड़ी मतलब बिल्कुल सही चल रही है, जो फर्क आ रहा है वो सिर्फ सिर्फ पीछे हमारे जो नई गाड़ी है उसमें कार्गो बॉक्स की हाइट आप मान के चलो कि 2 से 3 फुट होगी, ठीक है और जो इनका कार्गो बॉक्स मतलब पीछे की जो ट्रॉली रखी गई है उसमें आप चलाते वक्त अगर अगर ध्यान दोगे ना तो फील करने वाली बात है, वो गाड़ी जोड़ मारते हुए चलती है, मतलब उसमें 450 से 450 kg वजन ज्यादा है उससे, समझे आप, तो उसके लिए क्या किया है कि कंपनी आप बोले कि इन दोनों की ट्रॉली उतार लो और इन दोनों को बराबर भगा लो, बराबर सेम स्पीड में चलेगी, चाहे आप चलाओ चाहे आप चलाओ चाहे मैं चलाओ चाहे ये चलाए, कंपनी कभी भी ये नहीं बोलती आप लोड डाल के इसको 70 भगाओ, कंपनी कर्व वेट के हिसाब से बोलती है, ग्रॉस वेट के हिसाब से नहीं बोलती है कि आपकी गाड़ी 70 चलेगी, खाली के हिसाब से बोलती है, पैसेंजर के साथ तो नहीं बोलती, लोडिंग में कैपेसिटी अलग चेंज हो जाती है जी, लोड होगी कमर्शियल गाड़ी में आप मान लो किसी गाड़ी की 80 की स्पीड दे रखी है पिकअप की, अगर उसमें लोड डलेगा ना पीछे 2 टन 3 टन भी डालते हैं बंदे, ठीक है जिस तरह की उनकी जरूरत की एप्लीकेशन है वो उस तरह डालेंगे, तो खाली कर चला दिया, परफॉर्मेंस अंदर है वो उसमें खाली बॉडी में तो बल्ला नहीं है उसके अंदर लोड थोड़ी डालेंगे, आपकी बात भी नहीं मेरी बात भी नहीं, अब उसके बीच का सोल्यूशन निकालेंगे, ये निकालेंगे दोनों की ट्राली तार लेंगे, ठीक है इन वाले की भी मेरे वाले की भी फिर भगा के देख लो बराबर सेम गाड़ी की एप्लीकेशन में कुछ चेंज नहीं कर सकते थी, वो कितनी भागती है कैसे भागती है हम सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं एट प्रेजेंट, यहाँ पे आपको जो सोल्यूशन दे सकते हैं हमारी नई गाड़ी सेम मॉडल
सेम ही डेट मतलब कर्व वेट का सेम उसके तरीके का सेम इनके वाला मॉडल ठीक है, उसको पूरा प्रॉपर लोड डाल के मतलब उसमें 80 हवा है तो उसमें भी 80 करेंगे, उसमें 30 है तो उसमें भी 30 हवा करेंगे ठीक है, हवा करके और वेट भी उतना ही बराबर ठीक है, मतलब ट्रॉली उतार ली तो वेट दोनों का बराबर हो गया, कुछ एक्स्ट्रा चीज रखी नहीं गई है, माचिस कुछ रखा हो तो 250 ग्राम का कुछ कह नहीं सकते, उन दोनों को बराबर में पकाएंगे, जो गाड़ी हमारी नई वाली परफॉर्मेंस दे रही है वो इन वाली भी देगी, हम ये कर सकते हैं। मतलब हमने भी को बढ़ा रहे हो गया आप खाली चीज का, हम क्या करेंगे अपना ट्रॉली को कंपेयर करो दूसरी गाड़ी से करो, ये गाड़ी तो फैल है, ये तो गाड़ी फैल है, हमने इससे क्या मतलब है, दूसरी गाड़ी कंपेयर करो उसको, गाड़ी आपके पास ऐसी गाड़ी दूसरी और है, मंगा रखी है मैंने, मंगा रखी है उस गाड़ी को, और इसकी तरह चलाई दिखाओ आप, अगर सेम ऐसी चलती है तो हम मानने कंपनी का पास वगैरह तो सगर क्या कर रखा है, ये हम मान नहीं आपकी बात ठीक है, अगर वो ठीक चलती है अब तो ये क्यों चली, आप मान जाओगे ये नहीं कमी है भाई साहब, कमी है, कमी है, कमी वाले के साथ कंपेयर क्यों कर रहे हो आप, कमी वाले के साथ कंपेयर क्यों कर रहे हो आप उसको, इस मॉडल में तो कमी है, दूसरी गाड़ी भी इसी बात है, ये मॉडल में कमी है, इसमें हमने बहुत जगह डाली है आपकी कंप्लेंट, एक तरह से मैं बोल दिया है, 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 आप यहाँ पे खड़े हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं, आपको हमारी गाड़ी टेस्ट ड्राइव ले लो, बात करो भाई ले लो, जो पांच गियर की गाड़ी है, पांच गियर की गाड़ी है, उसकी ट्राई ले, कैमरा में बैठ जाएगा, गियर की गाड़ी से कंपेयर ना करो, पांच गियर प्रो है, मतलब है यार कोई सात गियर से नहीं, सेम मॉडल के साथ सेम मॉडल कर सकते हैं, भाई साहब सुनो अब मेरी एक बात सुनो, जब कोई मॉडल चेंज होता है उसमें जो फीचर दिए गए हैं आप उसको कंपेयर करते हैं गाड़ी तो हम चला रहे हैं, रोड हम डाल रहे हैं, खाली हम चला रहे हैं, हमारे को पता चलेगा आपको कैसे पता चलेगा, आपको पता कैसे चलेगा ये बताओ आप, आपने खाली डाली उसके साथ भगा लोगे जो महिंद्रा बना रही दे रही है, जो फीचर उसके अंदर डाल रही है उसके से अलग कोई भी गाड़ी के अंदर किसी भी तरीके का इशू नहीं है ठीक है सर, संतुष्टि कौन करेगा देगा सर, लाख रुपए लगाए सर, इन्होंने लाख रुपए लगाए सर आपके विश्वास के ऊपर, सर जब गाड़ी ली जाती है एक के साथ में दो बंदे और जुड़ते हैं बिल्कुल ठीक है, लगन लेकिन क्या होता है अगर एक बंदे के साथ में कोई इशू आ रहा, छोटा सा कोई इशू आया, उनको कोई चीज फील हुई, उनको ऊपर और पुशअप करने वाले कोई मिल जाता ना उनको, तो ये सिचुएशन पैदा होती है। एक्चुअल में क्या है, जब ये गाड़ी नहीं आई, इन्होंने पहले गूगल पे चेक किए, सारे पिक्चर चेक किए, इन्होंने सब कुछ पता करने के बाद, सुनिए सर सुनिए एक मिनट, इन्होंने सब फीचर चेक करने के बाद में जब गाड़ी यहाँ पे बुकिंग करवाई है बिना टेस्ट ड्राइव के, तो इन्होंने बुकिंग करवाई थी, गाड़ी थी भी नहीं हमारे पास, नहीं गाड़ी नहीं थी, क्यों नहीं गाड़ी थी, जब जब आपने नहीं नहीं एक गाड़ी देख के ली थी, दो गाड़ी वो भी बता, मैं भी आ रहा हूं भाई साहब, सुनो अभी पूरी बात सुनो, जब आपने बुकिंग करवाई तब भी आपने सिर्फ फीचर देख के करवाई थी, और यही चीज मैं कह रहा हूँ कि अगर गाड़ी के अंदर कोई भी फीचर नया आ रहा है तो उसका कंपैरिजन मैं किसी और गाड़ी से नहीं कर सकता, सेम मॉडल की गाड़ी से आपका कर सकता हूं, तो कमी उसको उसको आप मानो भाई साहब, कमी कैसी कमी है उस कमी को मानो, ये खुल के नहीं चल रही गाड़ी, यहां खुल के नहीं चल रही गाड़ी, अपनी कंपनी गाड़ी लेने आ गए, आपकी आपकी बात का एक समाधान आप बताओगे, पूरा बताओ भाई, इस गाड़ी में कमी आ रही है पीछे से, ये मॉडल है जो फीचर्स नया दिया गया है, या फिर वही हम टेस्ट ड्राइव भी कौन करवावा, आपका बंदे का क्या जवाब था, बिना इंश्योरेंस हम गाड़ी बाहर को निकला, उससे 10 दिन पहले एक्सयूवी 300 लेके गए, हां आपकी थार की भी टेस्ट ड्राइव ली है, 300 की भी ली है, बले इसकी बलेरो की भी ली है, स्कॉर्पियो की भी ली है, हम खुद ले महिंद्रा की एक्सयूवी 300 लेके गए, मनोज फोगाट का नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ है, आपने उनकी टेस्ट ड्राइव दे दी क्योंकि वो गाड़ी थी 15 लाख रुपए की, और यह गाड़ी में कमी थी टेस्ट ड्राइव क्यों कौन करवाई, आपका बंदा क्या बोला, तो इंश्योरेंस के बारे में टेस्ट ड्राइव कौन करा, तो उन गाड़ियों का इंश्योरेंस पहले करवा रखा था क्या उसके बाद, ये गाड़ी लेने के बाद भाई ने एक गाड़ी और ली थी, उसकी टाल हो गई, बस 4 गियर वाली गाड़ी थी, उसकी ट्राई देने का तैयार हो गया था, ट्राई के लिए मना कर दिया था, उसके बाद 4 गियर की गाड़ी लेने के लिए बंदा बुला रहा,
उसके ट्राई तो नहीं हमने तो गाड़ी लीज का बाद आपने को गाड़ी बेची है आपने को गाड़ी बेची है कैसे यार हमने तो मॉडल लिया है वो टेस्ट ड्राइव ले वो टेस्ट ड्राइव ड्राइव आज एक बार बदला तो बाद में दिखा दो आपका बंदा फिर दोबारा ले लेंगे साथ में बैठ के जाओ दिखा दो ट्रॉली उतार के होगी जो भी होगा दोनों का वजन बराबर करूंगा भाई साहब मेरी बात सुनोगे 1980 केजी आपकी कंपनी ने पास करके दे रखी गाड़ी पास करके 1980 केजी दे रखा है पास करके दे रखी कौन दे रखी ग्रॉस वेट हो गया वो ग्रॉस वेट 1980 दे रखा है हां अगर 1980 अगर भी कोई कंपनी क्लेम नहीं करती है कोशिश करती हो तो उड़ लिया मैंने मतलब ग्रॉस वेट ग्रॉस वेट के अंदर मेरी गाड़ी 75 बाजेगी तो कंपनी के क्या है खाली चेसिस में रखा है करो वेट में करो वेट में करो वेट बोले तो कंपनी एवरेज कैसे निकालती है जो आप डीजल की गाड़ी कोई परचेज करते हैं वो कहते हैं 20 की एवरेज देगी पर आपके पास वो गाड़ी 18 की दे रही है तो कंपनी एवरेज कैसे निकालती है इसका पता है एवरेज नहीं निकलवा रहे भाई साहब नहीं नहीं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं उस चीज का लोडिंग का तो पता तभी चलेगा ना भाई साहब उसमें 5 पैसेंजर बिठाएगी रोड पे चलाएगी ऐसा नहीं होता कभी भाई हम पैसेंजर नहीं बिठाएंगे ना आप तो ग्रॉस वेट है उतना वजन डालेंगे हम दोनों गाड़ी का बराबर वेट करूंगा मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं दोनों गाड़ी का बराबर वेट करूंगा कैसे दोनों गाड़ी का ट्रॉली का कमी है ट्रॉली के उसमें वेट डालो कमी है गाड़ियों में दूसरी में वेट डालो ट्रॉली समेत वेट बराबर होगा तो ट्रॉली समेत दोनों गाड़ियों में वेट बराबर होगा तो हो जाएगी ट्राई वेट बराबर होने से फायदा है मतलब है दोनों ट्राली दूसरी ट्राली बनवाऊं कैसे मैं उसके लिए वो ट्राली हम देंगे दूसरी ट्राली आपने क्या बनवानी है बराबर वेट है एक में 14 क्विंटल है एक में 13.65 है एक सवारी बिठा देंगे आप दूसरे मॉडल की बात कर रहे हो बार बार बिठा नहीं नहीं मॉडल की बात हो रही है भाई साहब ट्राली की बात हो रही है एक और रखे दो गाड़ी आप ये भाई साहब तो दूसरी गाड़ी का जिक्र कर रहे हैं आप ये कह दो कि आप लोगों को बोलना है उससे तो कोई समाधान ये भाई साहब दूसरी गाड़ी की ट्राई के लिए है ना जो चीज आप दूसरी गाड़ी का मॉडल चेंज कर रहे हो तो मैं कह रहा हूं कि दोनों मॉडल सेम होंगे मेरी बात तो समझ गया आप मॉडल में कमी है दोनों मॉडल सेम है मैं की बात की भाई साहब उस मॉडल में कमी है उसका क्या काम करोगे पूरी रात पे मॉडल में कमी है सेम मॉडल की बात करोगे तो ही आगे बात है जी अगर आप मॉडल ही चेंज कर देते हो तो उसके तो अलग फीचर है जी रिस्क अलग आपकी कंपनी ऐसा है तो ये समाधान कर दे तो अब ये गाड़ी यही छोड़ दे हमने ये गाड़ी नहीं कुछ वो ये गाड़ी नहीं लेनी सीधी बात बस आज तारीख है भाई 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 ये नहीं कहती कि मेरी आज आपकी गाड़ी इस शोरूम में खड़ी है 22 तारीख को शोरूम में खड़ी है जी पिछले 20 से 25 दिन तक हमारी गाड़ी यही है हां जी आपकी गाड़ी है कस्टमर वाली हम अगर ट्राई मारा गाड़ियां की तो वन पे आप 10 टन छोड़ो 12 टन गाल के ट्राई मारो अगर हमारी गाड़ी में कमी पा जाए तो उल्टी खड़ी कर दो भाई को फिर बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ियों से कुछ नहीं ट्राई कराओ ट्राई मारेंगे ट्राई मार के बाद पता चलेगा इनका क्या होगा तो जी ऊपर जनरल मैनेजर के पास जाके आए हैं और उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया इनको जवाब दिया नहीं है क्योंकि मैं कैमरे के आगे था और ये कैमरे के पीछे थे तो अब अगला कदम आपका क्या होगा ऐसा है भाई साहब हमारा समाधान तो कुछ हुआ नहीं इस मॉडल के अंदर ये गाड़ी सारी हम दिक्कत है और ये दिक्कत है तो इस गाड़ी को हम लेके करेंगे क्या तो इसलिए हमें ये गाड़ी तो चाहिए नहीं हमने गाड़ी जमा करवानी है हमने रखनी है इसको हम ये गाड़ी लेना ही नहीं चाहते जी इस मॉडल में हर एक गाड़ी में दिक्कत है हम ये मॉडल लेना ही नहीं चाहते अगर इस पर आप यहीं छोड़ दोगे यहीं छोड़ देंगे यहीं खड़ी है यहीं जमा यहीं कम 15 दिन हो गए तारीख 27 है टाइम बज गए पूरे 11:05 है और इनकी गाड़ी वहाँ गाड़ी खड़ी है और ये एजेंसी के अंदर आए हुए हैं यही बात है ये गांव की पंचायत है और ड्राइवर साथ में आपका नाम क्या है सोमवीर सोमवीर क्या लगा गाड़ी सबकी 8 लाख अब 8 लाख की गाड़ी थी इन्होंने शोरूम में छोड़ दी अब किस तरह से यह आम आदमी किस्त भर पाएगा किस तरह से लोन के पैसे उतार पाएगा किस तरह से ब्याज के पैसे दे पाएगा अब वो तो भविष्य के गर्व की बात है लेकिन यह है कि कहीं ना कहीं आज पूरी पंचायत निराशा से बाहर निकलती हुई महिंद्रा के शोरूम के बाहर से क्योंकि इनको संतुष्टि भरा जवाब मिला ही नहीं है अंदर से चाहे मैनेजर हो चाहे वो सेल्समैन थे चाहे कोई थे लेकिन यह जी अब देखते हैं भविष्य में क्या होगा किस तरह से इनकी आवाज को सुना जाएगा जेएनसी न्यूज से अजय नायक दीपांशु शर्मा गया खास दिन अपन यहाँ गाड़ी जमा करवाई थी ना जी उस दिन के मरते इनका जो इनका जॉब लेटर खुला था वो पेपर दिवा दो मरते भाई इन जिस दिन मारे गाड़ी आके खड़ी हुई थी वो दिवा दो वो पेपर भी कौन दे वही भी है मना करेंगे
क्या था आप चलो साथ में चलो आप जॉब कार्ड दिवाओ भाई हमारे पास इस दिन ये गाड़ी आगे खड़ी हुई थी वो लिखित में या जॉब कार्ड तो देंगे एक बार जॉब कार्ड दिलवाओ हमें 20 दिन ये गाड़ी आई थी तो जॉब कार्ड तो दिलवा दो 20 तारीख से तो इन्हें जॉब कार्ड बंद कर रखा जी वो इसलिए कर रखा जी ना कदे कहीं क्लेम क्लेम ना कर दे 20 तारीख से तो जॉब कार्ड बंद कर रखा इन्होंने कोई अकाउंट में क्लेम ना कर दे चलो जी ये मामला है ये मामले की तह तक है जेएनसी नो से अजय नाग दीपालु शर्मा की खास रिपोर्ट।